देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। परशुराम महासभा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में इस वर्ष भी भगवान हरि विष्णु के छठवें अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम का प्राकट्य उत्सव ज्वानापाव तीर्थ एवं राजेंद्र नगर में धूमधाम से मनाया गया। आयोजन के अंतर्गत परशुराम जन्मस्थली ज्वानापाव में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान परशुराम की बाल्यावस्था वाली मूर्ति का पूजन, अभिषेक एवं ऋषि जमदग्नि द्वारा स्थापित जनकेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात ज्वानापाव पर्वत शिखर से सुबह 6:30 बजे से मां रेणुका ज्योति यात्रा प्रारंभ हुई, जो गौली पलासिया महू शहर राव नगर होते हुए सुबह 8 बजे राजेंद्र नगर में प्रवेश कर वहां से निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में शामिल हुई। परशुराम महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा एवं यात्रा संयोजक पंडित संजय मिश्रा ने बताया कि ज्वानापाव तीर्थ पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सैकड़ों समाज बंधु पहुंचे और वहां पूजा अभिषेक के बाद मां रेणुका ज्योति यात्रा लेकर राजेंद्र नगर तक आए। राजेंद्र नगर से सुबह 8 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़े बग्घी के साथ चलित झांकी, भगवान परशुराम की दिव्य झांकी, विशेष रथ, भजन मंडली, गुरुकुल परंपरा के बटुक भी शामिल हुए। परंपरा के अनुरूप बटुक गण स्वस्ति वाचन करते हुए चल रहे थे। युवा वाहिनी एवं मातृशक्तियां हाथ में फरसा लेकर यात्रा की शोभा यात्रा बढ़ाते हुए सभी के आकर्षण का केंद्र थे। मनावर धार से आए आदिवासियों की टोलियां रंगारंग नृत्य करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। राजेंद्र नगर स्थित परशुराम चौक पर जहां विशाल फरसा स्थापित किया गया, वहां इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। शहर के सभी प्रमुख धर्म स्थलों के आचार्य संत एवं महामंडलेश्वर ने भी इस शोभा यात्रा में सानिध्य प्रदान किया। शोभा यात्रा का संचालन पंडित संजय मिश्रा, पंडित शैलेंद्र जोशी, सुश्री श्रेष्ठा जोशी, श्रीमती मोनिका शर्मा, वर्षा शर्मा, पूनम मिश्रा, कपिल तिवारी और अनिरुद्ध शर्मा की टीम ने किया। शोभा यात्रा का मार्ग में अभिषेक जाट मित्र मंडल द्वारा मंच लगाकर पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत किया गया। अभिषेक जाट ने कहा कि भगवान परशुराम समस्त हिंदुओं के आराध्य हैं और परशुराम महासभा तथा ब्राह्मण समाज की अगुवाई में निकलने वाली शोभा यात्रा का स्वागत कर हम सब अभिभूत है। धनुष है करने दुर्जन छ
शोभा यात्रा निकल रही है, कौन सी संस्था के माध्यम से निकल रही है और इसमें दिव्य ज्योति भी आई है, रेणुका ज्योति, उसके बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रथम ब्राह्मणों की संस्था है श्री परशुराम महासभा, और इसके तत्वाधान में प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जी की ये शोभा यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। और जाना पाओ जो ब्रह्म तीर्थ माना जाता है, वहाँ रेणुका ज्योति यात्रा जो कि हमारे परशुराम महासभा के वरिष्ठ जन एक दिन पूर्व 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम रहता है, जो जाना पाओ पर यज्ञ हवन पूजन पाठ करने के पश्चात जो अखंड ज्योति जाना पाओ ब्रह्म तीर्थ पर जल रही है, उस वो ज्योति रेणुका माता के उसमें हम यहाँ लाते हैं और उसके बाद में हमारी शोभा यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आज शोभा यात्रा कहाँ कहाँ भ्रमण किया? ये शोभा यात्रा नर्मदा चौराहे से प्रगति नगर से प्रारंभ होकर और प्रगति नगर, पाराशर नगर, राजेंद्र नगर क्षेत्र की अन्य कॉलोनियों में भ्रमण करती हुई और परशुराम चौक, राजेंद्र नगर मेन चौराहे पर इसका समापन। महिलाएं हाथ को फरसा लेकर शामिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं, ये तो परशुराम जी का एक प्रतीक है जी। फरसा वो लकड़ी से निर्मित करवा कर और मात्र शक्तियों द्वारा उस फरसे को हाथ में लेकर चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में भावना है, किस भावना को साथ? मेरे मन में परशुराम जी का जो जन्म उत्सव है उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि परशु और राम इन्हें बहुत बड़ा नाम है जो ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, और जन्म होने के साथ में उनने इस संसार के लिए सब कुछ त्याग के और ब्राह्मणों के माध्यम से, क्षत्रियों के माध्यम से उनने एक संदेश जरूर दिया सभी को कि इस पृथ्वी के ऊपर हर आदमी ब्राह्मण कुल में जो भी पैदा होता है वो सम्मान के प्रतीक होता है, उसके अधीन सारे मंत्र, भगवान भी उसके अधीन होता है एक ब्राह्मण के अधीन, और ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करने का मौका मुझे आज प्राप्त हुआ परशुराम जयंती के ऊपर, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, ऋणी समझता हूँ कि मुझे आज मौका मिला और सभी ब्राह्मणों के चरण स्पर्श किए मैंने, मुझे उसका पूरा लाभ प्राप्त हुआ। और इसके अलावा मैं ये जरूर कहूँगा कि परशुराम जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। भगवान परशुराम जी ने जो धर्म की स्थापना की थी, आतातियों का नाश किया था, उनसे प्रेरणा लेकर के हमको भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए तन मन धन से जुड़ जाना चाहिए, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, उसी संदेश को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। मैं यात्रा निकालने वाले सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हम सब मिलकर के भगवान परशुराम जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ। परशुराम जयंती में कहना क्या है, क्या शुभकामना आपकी? सबके लिए शुभकामना है, भगवान परशुराम जी की जयंती है, लोक मंगल के लिए यात्रा निकाली जा रही है, समाज का संगठित रहें, हम सब लोग मिलजुल कर रहें और भगवान परशुराम जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे, इसलिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं।